टीवी की मशहूर एक्ट्रेस चारू असोपा और राजीव सेन इन दिनों अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर काफी चर्चे में बने हुए हैं। चारू असोपा और राजीव सेन की शादीशुदा जिंदगी तलाक के कगार पर पहुंच चुकी है। इन सभी उथल पुथल के बीच राजीव सेन ने चारू असोपा पर कई आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि उनका और राजीव का अफेयर चल रहा है। उनके इस आरोप को चारू ने झूठा बताया था। साथ ही ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्ट्रेस करण मेहरा ने भी इस बात को लेकर काफी सवाल खड़े किए थे। इन सब पर अब टीवी एक्ट्रेस निशा रावल ने भी चुप्पी तोड़ी है। एक्ट्रेस ने मामले में कहा है कि कोई टिप्पणी नहीं। हालांकि जब निशा से बार बार इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। इन दिनों हर कोई किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। बता दें कि करण मेहरा और निशा रावल का भी साल 2021 में तलाक हो गया था। निशा ने करण मेहरा पर मारपीट और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था। वहीं चारू असोपा ने भी करण मेहरा से राजीव सेन के कमेंट पर माफी मांगी। हालांकि एक्ट्रेस ने माफी मांगने के बाद दोबारा उनसे कोई बात नहीं की। वहीं राजीव सेन भी मामले को लेकर मुखर नजर आए। उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा, मैंने कभी भी अफेयर जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने बस इतना कहा था कि चारू की माँ ने बताया कि चारू और करण साथ में रील्स बना रहे हैं। ऐसे में मुझे जो भी पता चला चारू की मम्मी के जरिए पता चला। मैंने करण के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। इंटरटेनमेंट से जुड़ी और जानकारी पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट india.com पर लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।